हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अपने फ्रेंड्स से आप कह दीजिए सब जुड़ जाएं, मैं लाइव आ चुका हूं। और अपने फ्रेंड्स को मैसेज कन्वे कर दें। आप लोगों का रिमेनिंग जो पार्ट बचा हुआ है वो मैं आज आप लोगों का कंप्लीट करवाऊंगा। अपने फ्रेंड्स को मैसेज कन्वे कर आप लोगों का रिमेनिंग जो पार्ट बचा हुआ है वो मैं आज आप लोगों का कंप्लीट करवाऊंगा। हाँ जी, सुनीता चालिया जी, गुड इवनिंग। ललिता जी, ललिता राजपूत जी, नमस्ते जी। अंजू दूत जी, गुड इवनिंग। रोशन जी, गुड इवनिंग। ऋषभ माथुर जी, खुश रहो। सुमन कलवा जी, गुड इवनिंग मैम। आप अपने फ्रेंड्स को एक बार कह दीजिए कि सब आ जाएं, जिससे क्या है कि फिर अपना कंटिन्यूस काम चलता रहे, है ना। फिर क्वेश्चन स्टार्ट कर दें। हाँ गीता बाजी जी, मैम नमस्ते। मैम कैसे हैं आप? जगन जी नमस्कार, कैसे हैं आप? खुश रहो, सब प्रसन्न रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें। और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको सबको बता दीजिए आप। हाँ सोनू कुमारी जी, गुड इवनिंग। हाँ सोनिया जी, गुड इवनिंग। हाँ राजेंद्र कुड़ी जी, नमस्कार भैया, कैसे हैं राजेंद्र जी? अपने फ्रेंड्स को एक बार आप इन्फॉर्म कर दीजिए, जिससे क्या है कि मैं फिर अपना काम स्टार्ट कर दूं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं भी क्लास फ्री करके आया हूं, फिर वापस क्लास। अभी मैंने कह दिया था, मैंने कहा कहीं 2-3 दिन बीच में डीएसटी का कार्यक्रम होने के कारण आप लोगों की लाइव में क्लास ले नहीं पाया। हाँ अच्छा, ललिता जी आप कहाँ से हैं? ललिता राजपूत जी आप कहाँ से हैं? ललिता जी आपको अच्छा लगेगा जब आप सुनेंगे, आप चीज़ों को कंसेप्ट के साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं यहाँ क्वेश्चंस प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा। हाँ परमिला जी, गुड इवनिंग। हाँ सुनील दायमा जी, क्या हाल चाल है आपके? आपकी लैब असिस्टेंट की क्लासें कैसी चल रही हैं, कैसे ले रहे हो? हाँ जी गुड गुड। हाँ प्रमोद जी, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग परमिला मैम। आप अपने फ्रेंड्स को भी एक बार मैसेज कन्वे कर दीजिए, क्योंकि एक बार यदि सब जुड़ जाते हैं तो फिर अपना स्टार्ट करना ठीक रहेगा। हाँ महेंद्र सिंह जी, गुड इवनिंग। महेंद्र जी डीपी बहुत अच्छी लग रही है आपकी। फिरोजाबाद सिरसागंज से, अरे वाह भाई वाह, क्या बात है। आप कौन सी क्लास की तैयारी कर रहे हैं अभी, किस में पढ़ रहे हैं आप? ललिता जी, ललिता राजपूत मैम, आप किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं?
आप किस चीज की प्रिपरेशंस कर रहे हैं ललिता जी? ललिता राजपूत मैम, आप किस चीज की प्रिपरेशंस कर रहे हैं? हाँ जी दीनदयाल जी। अच्छा बीएससी कर रहे हैं क्या? अच्छा बीएससी कौन सी ईयर में है? फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, या आपके सेमेस्टर चलते हैं वहाँ? आइए तो बच्चों फिर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं आज। फिर देखिए क्वेश्चन है। हाँ भाई सब, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अच्छा ललिता जी फर्स्ट ईयर में है। हाँ अंजू मैम गुड इवनिंग, अंजू मैम गुड इवनिंग, सब बच्चों को गुड इवनिंग। अब मैं बात करता हूँ, अपने टॉपिक पे स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज ए ग्रुप ऑफ पैरासिटिक प्लेटफॉर्म्स, कि भाई कौन सा जो ग्रुप है जो कि पैरासिटिक प्लेटफॉर्म्स के अंदर आएगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो देखिए कौन सा जंतु समूह जो है परजीवी चपटे कृमियों का है। तो यहाँ पर अगर आप लोग इस सवाल को देखेंगे तो देखिए वुचेरिया जो है ये भी आपका पैरासाइट है, ठीक है ना, अगर हम लोग बात करें, और सिस्टोसोमा भी पैरासाइट है। लेकिन बच्चों वुचेरिया जो है वो आपका आता है एसके हेलमेंथीज या निमेटे हेलमेंथीज में आता है, और सिस्टोसोमा जो है वो आपका किस में आता है? ब्लड फ्लूक भी कहते हैं, प्लेटी हेलमेंथीज में आता है। अब सवाल में फ्लैट वर्म पूछा है यानी प्लेटी हेलमेंथीज की बात कर रहा है, तो बुचेरिया आ गया, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड में आपका दे रखा है सिस्टोसोमा और फेशियोला। देखिए सिस्टोसोमा और फेशियोला, ये सिस्टोसोमा और फेशियोला दोनों ही एंडोपैरासाइट हैं और दोनों के दोनों ही प्लेटी हेलमेंथीज के अंदर आते हैं। और आप लोगों को सबको ध्यान होगा फाइलम प्लेटी हेलमेंथीज की मैंने आपको 3 क्लास बताई थी आपको, टर्बिलेरिया, ट्रिमेटोडा, तो ट्रिमेटोडा और एक सिस्टोडा। तो ट्रिमेटोडा के अंदर सिस्टोसोमा और फेशियोला दोनों आते हैं। सिस्टोसोमा को ब्लड फ्लू कहते हैं, फेशियोला को लीवर फ्लू कहते हैं, दोनों ही पैरासाइट है, दोनों ही फ्लैटवर्म होते हैं। तो भैया ऑप्शन यहाँ पर 2 निकल कर आ जाता है। एंटेरोबियस जो है बच्चों, एंटेरोबियस ये आपका निमेटे हेलमेंथीज में आता है यानी एसके हेलमेंथीज में, वुचेरिया भी निमेटे हेलमेंथीज में आता है। कहाँ पर आता है? ये भी निमेटे हेलमेंथीज के अंदर आता है। किसमें आता है? निमेटे हेलमेंथीज में। डुजेशिया और टीनिया, टीनिया जो है वो आपका फ्लैटवर्म है, डुजेशिया भी फ्लैटवर्म है, लेकिन डुजेशिया जो है वो एक्वेटिक है, ये पैरासाइट नहीं है, इसलिए इसमें यहाँ पर सही ऑप्शन बच्चों क्या आएगा? 2 नंबर आएगा। हाँ बिल्कुल गीता जी, 2 नंबर आएगा। हाँ जी वैशाली जी गुड इवनिंग, बिल्कुल बिल्कुल। आगे चलते हैं, अगला सवाल बच्चों देखें तो, निम्न में से कौन सा जंतु समूह बंद परिसंचरण, देखिए आप तो करेक्टर को टिक कीजिए, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, सीटी और पैरापोडिया के द्वारा भैया गमन हो, और डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाई जाती हो। तो भैया ये है करेक्टर एनिलिड्स का, ये करेक्टर किसका है? एनिलिड्स का। देखिए सीटी और पैरापोडिया जो है वो किसका करेक्टर है? एनिलिडा का करेक्टर है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो तो और भी एनिमल्स में देखने को मिलता है, आपका डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड और भी जगह देखने को मिलता है, लेकिन पैरापोडिया और सीटी जो है वो एनिलिड्स का करेक्टर है। तो एनिलिडा के एग्जाम्पल यहां पर हम देखते हैं। तो यहां पर देखें नेरिज, ये भी एनिलिड्स है, फेरिटिमा ये भी एनिलिडा में, फेरिटिमा केचुआ है, नेरिज आपका क्या नाम है? सैंडवर्म है, रेतकृमि, और ट्यूबीफेक्स ये भी आप लोगों का क्या नाम है, अगर इसकी भी बात करें तो बच्चों ये भी एनिलिड्स है, ट्यूबीफेक्स भी, ठीक है ना। एस्केरिस निमेटे हेलमेंथीज में आता है, लुम्ब्रिकस भी आपका निमेटे हेलमेंथीज में आता है, ऑक्टोपस मोलस्का में आता है, ये गलत हो गया। स्कॉर्पियन आर्थ्रोपोडा में आता है, नेरिज एनिलिडा में आता है, और हिरुडिनेरिया जो है वो भी इसमें आता है आपका, क्या कहते हैं अपने एनिलिड्स में। फेरिटीमा एनिलिडा में आता है लेकिन पाइला मोलस्का में, और लोलिगो भी मोलस्का में आता है, तो ये भी गलत है। यहां पर बच्चों ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। हाँ जी गीता जी 1 नंबर बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मनीषा जी बिल्कुल, सुमन जी बिल्कुल, संजीता मैम बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब हम चलते अगले पर, क्वेश्चन नंबर 38।
देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ एनिलिड्स, यानी कि एनिलिड्स के लिए क्या सही है। हम सब जानते हैं कि एनिलिड्स जो है वो साइजोसिलोमेट होते हैं, बिल्कुल सही है। मेटामेरिज्म भी पाया जाता है, सेगमेंटेशन, और रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, ये बिल्कुल सही बात है। दे आर साइजोसिलोमेट, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान, एंड प्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एंड, अच्छा ये प्रोड्यूस बोथ एसेक्सुअली, इसको सही कर लीजिए, एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली, अंग्रेजी में ठीक कर लीजिए, बोथ एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। देखिए यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, ऑप्शन नंबर टू बिल्कुल गलत है। दे आर एंटेरोसिलोमेट, ये भी गलत है। दे आर साइजोसिलोमेट, सिंगल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, गलत है, सिंगल वेंट्रल नर्व कॉर्ड नहीं होती, यहां पर डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाई जाती है, फोर्थ ऑप्शन भी गलत है, ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही है। हाँ शाहिल परिहार जी नमस्कार, हाँ जी अलका सैनी जी 38 में बिल्कुल एक आएगा, बिल्कुल बिल्कुल सुमन जी, इसमें ऑप्शन क्या आएगा बच्चों, एक आएगा। अब चलते हैं बच्चों अगले नंबर के क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर है आपका 39। 39 के क्वेश्चन को देखें तो निम्न में से कौन से लक्षण एक आर्थ्रोपोड जंतु के हैं, यानी आर्थ्रोपोड जंतु के आर्थ्रोपोड जंतु के कौन कौन से लक्षण हैं, इन लक्षणों को यदि हम लोग देखें तो आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी। क्या विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर ऑफ एन आर्थ्रोपोड एनिमल्स, देखिए जो आर्थ्रोपोड एनिमल्स हैं ये आपके साइजोसिलोमेट होते हैं, सही है। यहाँ पर बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ये बात सही नहीं है। यहाँ पर ज़्यादातर में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, गलत है। एंटेरोसिलोमेट होते हैं, बिल्कुल गलत हो गया। साइजोसिलोमेट हैं, यहाँ पर मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ये जो सेंटेंस है थर्ड नंबर ऑप्शन ये सही है। साइजोसिलोमेट है, बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, ये भी गलत है क्योंकि मेटामेरिज्म तो इसका स्पेसिफिक करेक्टर है। ऑप्शन नंबर क्या आएगा बच्चों, थर्ड आएगा इसमें, इसमें ऑप्शन क्या आएगा, थर्ड आएगा, ऑप्शन क्या आएगा बच्चों, थर्ड आएगा इसमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अलका जी, थर्ड आएगा इसके अंदर। अगले सवाल पे चलते हैं। आर्थ्रोपोड्स में उत्सर्जी पदार्थों का समूह है, ए ग्रुप ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन आर्थ्रोपोड इज, तो आर्थ्रोपोडा में बच्चों यूरिक एसिड होता है जैसे इंसेक्ट्स के अंदर, अमोनिया होता है एक्वेटिक, जो आपके क्या नाम है, चाहे क्रस्टेशियंस हो चाहे आपके दूसरे आर्थ्रोपोड्स हो, ग्वेनिन किसका होता है, स्पाइडर का होता है, ग्वेनिन किसका होता है, स्पाइडर का। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन जो है बच्चों बिल्कुल सही है। यूरिया यहां पर बहुत रेयर देखने को मिलेगा, यूरिया यहां पर बहुत कम देखने को मिलता है, यूरिक एसिड, अमोनिया और ग्वेनिन मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। यहां पर सही आंसर बच्चों क्या आएगा, एक आएगा, वन। अगला सवाल, ग्लोचिडियम तथा वेलिजर किस संघ के लार्वा है, ग्लोचिडियम और वेलिजर ये दोनों ही मोलस्का के लार्वा होते हैं, ये बिल्कुल सरल सवाल है, दो नंबर आएगा ग्लोचिडियम जो कि यूनियो का लार्वा होता है। फिर अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल, निम्न में कौन सा उपयुक्त रूप से सुमेलित है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपरली मैच्ड, यानी कि इनमें से सही कौन सा मैच है। अगर आप लोग देखें आर्थ्रोपोडा में इंसेक्टा और इंसेक्टा में स्पाइडर आते हैं नहीं आते, स्पाइडर किस में आते हैं, एरेक्निडा में। मोलस्का सिफेलोपोडा, यूनियो गलत है, यूनियो बाइवेलिया या पेल्सीपोडा में आते हैं। प्लेटीहेलमेंथिस ट्रिमेटोडा, और ट्रिमेटोडा के अंदर बताया इन्होंने क्या, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया टर्बिनेला में आता है, ये भी बिल्कुल गलत है। इकाइनोडर्मेटा एस्टीरोइडिया, बिल्कुल सही बात है, एस्टीरोइडिया इसकी क्लास है, और इसमें स्टारफिश क्या था आपका, इसमें क्या आती है बच्चों, स्टारफिश आती है, बिल्कुल सही है, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल, पेडिसिलराई इन स्टारफिश इज रिलेटेड विथ, ये भैया प्रोटेक्शन से, देखिए स्टारफिश में पाई जाने वाली आप लोगों को ऐसे अगर देखें तो आपको कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं इसके अंदर। यहाँ पर अगर आप लोग देखें
तो इस तरह की स्ट्रक्चर्स नजर आती हैं, इनको पेडिसिलेराई कहते हैं। और पेडिसिलेराई जो है ये प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं। यहाँ पर बच्चों फोर्थ नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ये सरल सवाल है इसलिए इन पर मैं टाइम ज्यादा खर्च नहीं करूंगा। अगला सवाल, यहां पर आपको गलत स्टेटमेंट छांटना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखिए, वाटर सर्कुलेशन इन स्पंज हेल्प्स इन रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, बिल्कुल। वाटर सर्कुलेशन यानी कैनाल सिस्टम के द्वारा रेस्पिरेशन भी होता है, एक्सक्रीशन भी होता है, बिल्कुल सही है। बायोल्यूमिनेसेंस इज करेक्ट ऑफ फाइलम पोरीफेरा, बिल्कुल साहब गलत है। पोरीफेरा में तो भैया बायोल्यूमिनेसेंस कोई शो ही नहीं कर रहा। फ्लैट वर्म्स आर मोस्टली एंडोपैरासाइट, बिल्कुल एंडोपैरासाइट होते हैं, वर्टिब्रेट एनिमल्स के होते हैं। तो यहां पर ये कह रहा है कि वन एंड टू, भैया वन तो सही है, थ्री भी सही है, वन भी सही है, थ्री भी सही है, लेकिन यहां पर तो भैया दो एकदम गलत है। तो भैया इसका आंसर दो बिल्कुल सही है, ये गलत स्टेटमेंट है, इसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक करने का मतलब स्टेटमेंट गलत है। एडम्सिया, देखिए एडम्सिया फाइलम सिलेंट्रेटा में आता है, इसको हम सी एनिमोन भी कहते हैं। किसमें आता है ये एडम्सिया जो है, किसमें आएगा बच्चों? एडम्सिया, एडम्सिया को आप लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एडम्सिया को हम लोग बोलते हैं सी एनिमोन। ये किस में आता है? फाइलम सिलेंट्रेटा में। क्लास क्या है? एंथोजोआ। करेक्टर क्या होगा? करेक्टर बताएंगे भैया डिप्लोब्लास्टिक है, दो स्तर पाए जाते हैं। पहली बात तो देखो ट्रिप्लोब्लास्टिक तो सिलेंट्रेट्स होते ही नहीं, इनको तो वैसे उड़ा दो। अब डिप्लोब्लास्टिक की बात करते हैं तो डिप्लोब्लास्टिक रेडियल सिमेट्री एंड एसिलोमेट। तो भैया जो आपके सिलेंट्रेट्स हैं वो एसिलोमेट होते हैं। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है डिप्लोब्लास्टिक रेडियल सिमेट्री एंड सिलोमेट, ये बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि सिलोमेट नहीं होते, एसिलोमेट होते हैं। तो यहां पर थर्ड ऑप्शन जो है बच्चों इसका बिल्कुल सही है। बिल्कुल परमेश्वर लाल भामूजी आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए जी अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 46, निम्न में कौन सा कथन, निम्न में से कौन सा कथन दिए गए जीवों के बारे में सही है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सर्टेन गिवन एनिमल्स इज करेक्ट। फ्लैट वर्म्स आर सिलोमेट। देखिए फ्लैट वर्म्स जो हैं, सही छाटना है तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है भैया, फ्लैट वर्म जो है वो आपके सिलोमेट नहीं होते। राउंड वर्म्स आर स्यूडोसिलोमेट, बिल्कुल जितने भी राउंड वर्म है वो स्यूडोसिलोमेट होते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। मोलस्क आर स्यूडोसिलोमेट, ये भी गलत है। इंसेक्ट्स आर स्यूडोसिलोमेट, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर आप यहां पर बताएंगे भैया, फोर्थ नंबर भी गलत है, केवल ऑप्शन नंबर दो सही है। इसका सही आंसर जो है बच्चों वो क्या रहेगा? दो रहेगा। इसका सही आंसर जो है बच्चों वो क्या रहेगा? दो रहेगा। आपको क्या मेरी बातें समझ में आ रही हैं? स्पीड तो ज्यादा नहीं है। हाँ बिल्कुल ललिता राजपूत जी आपने बिल्कुल सही बताया, ऑप्शन क्या रहेगा? टू रहेगा। देखिए एस के हेलमेंथीज एक सुपर फाइलम है, इसके अंदर जितने भी फाइलम आते हैं वो सारे के सारे स्यूडोसिलोमेट होते हैं। यहाँ पर सिलोम का जो फॉर्मेशन है बच्चों आप बताएंगे ब्लास्टोसील से होता है, मीजोड्रम से सिलोम नहीं बनती। मोलस्का और इंसेक्ट ये दोनों बच्चों याद रखेंगे साइजोसिलोमेट होते हैं। हाँ जी प्रियंका जी आइए अगला। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस जनित रोग, देखो ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस पहली बात तो प्रोटोजोआ में आता है। क्लास इसकी क्या है? फ्लेजिलेटा। किस में आता है? ये फ्लेजिलेटा या मेस्टिकोफोरा का मेंबर है। ट्रिपेनोसोमा जो है ये स्लीपिंग सिकनेस करता है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस करता है। जबकि काला अजर डिजीज जो है, अगर मैं यहां पर बात करूं काला अजर डिजीज जो है वो लीसमानिया डोनोवानी के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? लीसमानिया डोनोवानी के द्वारा होती है, ठीक है ना। तो यहां पर स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस निद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कोज करेगा। 47 के अंदर एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। बिल्कुल ललिता राजपूत जी सही बताया, संजीता ने भी सही बताया, गीता ने भी सही बताया, मनीषा ने भी बिल्कुल सही बताया। विजिबिलिटी तो बहुत कम नहीं है, एक्चुअली में आपके नेट की प्रॉब्लम है। क्या बच्चों विजिबिलिटी? विजिबिलिटी मैडम आपके यहाँ प्रॉब्लम है, मेरा तो नेट यहाँ पर फाइबर कनेक्शन है, मेरे तो मैडम यहाँ पर बहुत अच्छा आ रहा है।
मेरे तो बहुत अच्छा आ रहा है, क्लियर आ रहा है, मेरे मोबाइल के अंदर भी क्लियर आ रहा है, क्योंकि मैंने अपना मोबाइल अपने पास में रख रखा है ना। तो मुझे आपके, मैं कमेंट उसी मोबाइल में ही देख रहा हूं। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। सेल्स विचार, आप ऐसा कीजिए, क्या नाम है, रंजना राहुल जी मैडम, आप क्लियर है? हाँ बिल्कुल ललिता जी, क्लियर आ रहा है। आप ऐसा कर लीजिए कि आपका जो, क्या नाम है उसको, आप थोड़ा रिजोल्यूशन पावर को बढ़ाइए थोड़ा सा आप, ठीक है ना। थोड़ा नेट ज़्यादा लगेगा लेकिन आपकी क्लियरिटी बढ़ जाएगी। हाँ बिल्कुल पूजा किलका जी, आप सही कर रहे हैं, 480 पर देखो। हाँ डेली होती है क्लास, लेकिन अभी बीच में मैं 2-3 दिन कोई प्रोग्राम में बिजी था तो इसलिए हो नहीं पाई, ठीक है ना। हाँ रंजना राहुल जी, 240 है तो उसको ठीक करो आप, उसको 480 पर ले जाओ। देखिए वे कोशिकाएं जो केवल निडेरिया जंतुओं में पाई जाती हैं, वे कोशिकाएं जो केवल निडेरिया में यानी फाइलम सिलेंट्रेट्स में पाई जाती हैं। फाइलम सिलेंट्रेट्स का कैरेक्टर होता है कि इनमें दंश कोशिकाएं, स्टिंगिंग सेल्स या नीडोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। आंख बंद करके ऑप्शन नंबर फर्स्ट को टिक कर दीजिए। आंख तो खोल कर करना, नहीं तो पता लगा कहीं और टिक कर देंगे गलती से। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, 48 में वन आएगा। बिल्कुल रंजना जी, हाँ बिल्कुल गीता जी, रंजना जी, मनीषा जी, बिल्कुल संजीता खान जी, बिल्कुल सही है, वन आएगा ऑप्शन। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है, साइकोन जंतुओं के उस समूह से संबंधित है जिसका सर्वश्रेष्ठ वर्णन निम्न प्रकार किया जा सकता है, कि ये यूनिसेलुलर और एसेलुलर है, गलत बात है, ये मल्टी सेलुलर है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, सिलेंट्रोन कैविटी नहीं पाई जाती, ये भी गलत है, ये मल्टी सेलुलर है विदाउट एनी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल यहाँ पर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन देखने को नहीं मिलता, यहाँ पर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। मल्टी सेलुलर है टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन बट नो बॉडी कैविटी, ये भी गलत है। यहाँ पर थर्ड जो है वो यहाँ पर आप लोग बताएंगे साइकोन के लिए, बिल्कुल सही है बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं, यहां पर ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, थर्ड। एक जीव 3 वर्ष तक जल के अंदर निम्फ में रहता है तथा बाद में उड़ने वाले कीट में रूपांतरित हो जाता है। इस कीट के जीवाश्म 300 मिलियन वर्ष पूर्व आगे गए। देखो ये सीधा याद करना पड़ेगा, मेफ्लाई, ये सीधा आपको आंसर ही दिमाग में रख लो, क्योंकि ये मेफ्लाई के ऊपर स्टडी की गई है कि एक जीव 3 वर्ष तक जल के अंदर निम्फ में रहता है तो मेफ्लाई रहती है, बाद में उड़ने वाले कीट में रूपांतरित होता है। इस कीट के जीवाश्म 300 मिलियन वर्ष पूर्व आयु के आके गए हैं, ठीक है ना। तो वो मेफ्लाई के ऊपर स्टडी की गई है, ये ऑप्शन नंबर एक आएगा। निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन कीजिए, गलत कथन का चयन कीजिए। देखिए यहां पर अगर आप लोग देखें तो 51 के अंदर प्रोन में 2 जोड़ी एंटीनी पाई जाती है, बस ये बिल्कुल सही है कि प्रोन में 2 जोड़ी एंटीनी पाई जाती है, ठीक है ना। निमेटोसाइड संघ निडेरिया के अभिलाक्षणिक गुण है, तो ये भी ऑप्शन फर्स्ट नंबर वाला भी सही है कि साहब 2 जोड़ी एंटीनी नहीं होती यहां पर, तो 1 जोड़ी एंटीनी पाई जाती है प्रोन के अंदर बच्चों, 1 जोड़ी एंटीनी पाई जाती है। ये पहला स्टेटमेंट भी गलत है, पहला स्टेटमेंट बच्चों गलत है, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि प्रोन में तो भैया 1 जोड़ी एंटीनी पाई जाती है। निमेटोसाइड संघ निडेरिया के अभिलाक्षणिक गुण है, निमेटोसाइड भैया सिलेंटेटा या निडेरिया का करेक्टर, ये सही है। मिलीपिड्स में शरीर के प्रत्येक खंड में 2 जोड़ी उपांग पाए जाते हैं, ये बात भी सही है। पोरीफेरा संघ से संबंधित जंतु केवल समुद्री होते हैं, गलत है भैया। स्पोंजिला है आपका, स्पोंजिला, एफिडेटिया, ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं तो गलत है ये। तो यहां पर अगर गलत कथन का चयन करें तो यहां पर भैया एक ऑप्शन भी सही है, 4 नंबर का ऑप्शन भी सही है। तो यहां पर अगर किसी बच्चे ने 1 नंबर किया है वो भी सही है, और किसी बच्चे ने यदि 4 नंबर कर दिया वो भी सही है, क्योंकि यहां पर ये दोनों ही दो ऑप्शन ऐसे हैं जो गलत है, ठीक है ना। इस सवाल में आंसर क्या दिया हुआ है वो मुझे नहीं पता है, आंसर की में क्या टिक कर दिया, या तो यहाँ पर प्रोन में 1 जोड़ी एंटीनी लिखना चाहिए था सवाल में, क्योंकि ये सवाल जो है गलत स्टेटमेंट की बात कर रहा है,
गलत स्टेटमेंट, यानी कि स्टेटमेंट इनमें से रॉन्ग कौन सा है? तो भैया एक नंबर का स्टेटमेंट भी गलत है और यहाँ पर चार नंबर का स्टेटमेंट भी गलत है। मनीषा जी इसमें एक नंबर चार नंबर दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पर अगर किसी बच्चे ने ऑप्शन एक कर दिया वो भी सही है, किसी बच्चे ने ऑप्शन चार कर दिया वो भी सही है। अब आता है एनिलिडा व मोलस्का विभिन्न भ्रूणीय गुणों में समानता रखते हैं क्योंकि दोनों में पाया जाता है। अगर मैं यहां पर बात करूं कि देखिए एनिलिडा और मोलस्का स्पाइरल क्लीवेज बिल्कुल, यहां पर देखिए ये इंग्लिश का जो क्वेश्चन है यहां पर इंग्लिश वर्जन बच्चों गलत दिया हुआ है, इसको क्रॉस कर लीजिए। इस सवाल को आपको हिंदी में करना पड़ेगा, जो इंग्लिश मीडियम के यहां पर सामने गलत टाइप हो गया या सेटिंग करते समय सवाल को कॉपी करते समय उन्होंने गलत कॉपी कर लिया, भाई टाइप किया कौन सा लिख दिया कौन सा। तो एनिलिडा व मोलस्का विभिन्न भ्रूणीय गुणों में समानता, यानी कि एनिलिड और मोलस्क के कौन एम्ब्रियोनिक स्टेज पर क्या का समान है? भाई स्पाइरल क्लीवेज होता है, मीजोड्रम का निर्माण होता है, बिल्कुल सही है। शरीर में विखंडन, देखिए मोलस्का में विखंडन नहीं होता, पेशियोमेरिन में, ये गलत है, ठीक है ना। अंशबंजी मीरोब्लास्ट क्लीवेज नहीं होता, एक्टोड्रम का निर्माण नहीं होता, मीजोड्रम का निर्माण होता है, और स्पेसिफिक प्रकार के माउथ पोर्ट, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो 52 में बिल्कुल राइट है, 52 के अंदर बिल्कुल। रंजना जी आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, 52 के अंदर ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला ये सब सवाल है आपका कि भाई सही सुमेलित कीजिए। देखिए इस तरह ये जो सवाल है बच्चों इसको आईएमपी लगा लीजिए, यहां से परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। और इसको करने का एक बिल्कुल सिंपल सा बच्चों तरीका है, क्या? ट्यूब फिट जो है वो किसका है? स्टार फिश का है। पैरापोडिया किसमें पाए जाते हैं बच्चों? नेरीज में पाए जाते हैं। लोबोपोडिया, देखिए ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में सवाल भी पूछा हुआ है, लोबोपोडिया या सूडोपोडिया, यानी अमीबा के जो सूडोपोडिया वो लोब के आकार के होते हैं, इसलिए लोबोपोडिया कहते हैं। तो यहां पर आप लोग बताएंगे इसमें भी क्या आएगा, ए। और फुट जो है वो बच्चों किसमें पाया जाता है? पाइला में। तो बी डी ए सी, बी डी बी डी ए और सी, दो नंबर का ऑप्शन यहां पर भैया सही नजर आ रहा है, बिल्कुल दो नंबर आएगा। सुमन मैडम आप ये तो यहां तो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, आप इसको वो हाँ क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिए। हाँ ललिता जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाँ 53 में टू ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले सवाल पर चलते हैं, ये भी देखिए मैच करना है। ट्रोकोफोर किसका लार्वा होता है? नेरीज का। ट्रोकोफोर बच्चों किसका लार्वा है? नेरीज का लार्वा है। ग्लोचिडियम किसका लार्वा है? यूनियो का लार्वा है। जोया किसका लार्वा होता है? क्रैब का लार्वा है। और ब्रेंक्योलेरिया किसका लार्वा है? स्टारफिश का। तो सी डी बी ए, सी डी बी ए, सी डी बी ए, ये बिल्कुल सही है यहां पर। अब आगे चलते हैं, सी डी बी ए हो गया सबका। क्वेश्चन बहुत आसान है, देखिए जिनके कंसेप्ट क्लियर है वो इन सवालों को बहुत आसान से कर लेते हैं, जिन बच्चों ने थ्योरी पढ़ी है उन बच्चों को ये सब चीजें बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाती हैं। स्पंजों में भोजन अंतर्ग्रहण, देखिए स्पंजों में भोजन का अंतर्ग्रहण करने के लिए फूड इज इंजेस्टेड इन स्पंज, कोइनोसाइट्स, स्पंज के अंदर कोइनोसाइट्स होते हैं जो कि भोजन के अंतर्ग्रहण से संबंधित है। तो ट्रोफोसाइट्स ये तो भोजन का वितरण करेंगी, कोइनोसाइट्स ये भोजन का इंजेक्शन करेंगी, पिनोसाइट्स गलत है, पोरोसाइट्स ये भी गलत है। यहां पर भैया ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल राइट है, कोइनोसाइट्स। निम्नलिखित में किस समूह में नीडोब्लास्ट, ये सवाल थोड़ा ज्यादा रिपीट हो गया, नीडोब्लास्ट जो है वो किसका करेक्टर है? सिलेंट्रेट्स का करेक्टर है। वे जंतु जो तरुण अवस्था में द्विपार्श्व समिति युक्त होते हैं, एडल्ट में अर्यपन समिति, देखिए मैंने आप लोगों को यहां कुछ अपवाद बताए थे बच्चों, ध्यान दे लीजिए आप लोग, क्या? देखिए हम लोगों ने सिमेट्री जब पढ़ी तब हमने कहा एक तो एसिमेट्रिकल एनिमल होते हैं, एक रेडियल होती है, और एक मैंने आप लोगों को बताया बच्चों की बाइलेटरल सिमेट्री होती है। मैंने रेडियल सिमेट्री के लिए कहा था कि फाइलम सिलेंट्रेटा में फाइलम टीनोफोरा के अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि इकाइनोडर्मेटा के जो लार्वा हैं उनके अंदर तो बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, लेकिन एडल्ट के अंदर पेंटामीरस रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। तो पेंटामीरस रेडियल सिमेट्री ये इकाइनोडर्मेटा का करेक्टर है, और लार्वा अवस्था में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, ये इकाइनोडर्मेटा का करेक्टर है, इसको बच्चों याद रखेंगे।
और मोलस्का के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री है, लेकिन क्लास गैस्ट्रोपोडा में टोर्सन के कारण आप लोग बताएंगे वहां पर एसिमेट्रिकल हो जाता है, जो बाइलेटरल सिमेट्री है वो एसिमेट्री में कन्वर्ट हो जाती है, किसके कारण? टोर्सन के कारण। अगला क्वेश्चन है, टूथ सेल्स कहलाने वाले जंतुओं की देगुआ किससे उत्पन्न होती है? देखिए टूथ सेल की अगर हम लोग बात करें तो टूथ सेल हम लोग किसको बोलते हैं? डेंटेलियम को। डेंटेलियम किस में आता है? फाइलम मोलस्का में आता है। और मोलस्का में कौन सी सिलोम पाई जाती है? साइजोसिलोम पाई जाती है। तो कोरगुआ से तो भैया साइजोसिलोम बनती है, एंटेरोसिलोक है नहीं, साइजोसिलिक विधि से सिलोमिक फ्लूड भरा रहता है, ये बिल्कुल सही है, भ्रूणीय मीजोटम के विपाटन से तथा रक्त, रक्त नहीं भरा रहता भैया, रक्त तो हिमोसील में भरता है, गलत है, 3 नंबर का ऑप्शन सही है। आगे अगला सवाल देखिए, एलिमेंट्री कैनाल इज एब्सेंट इन टेप वर्म बिकोज, फीता कर्मियों में आहार नाल की अनुपस्थिति का कारण क्या है? देखिए एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट है क्योंकि ये एंडोपैरासाइट है और ये अपने शरीर की सामान्य सतह के द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं। दे सक्स द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट बॉडी बाय देयर हुक्स, नहीं, दे रेस्पायर एनएरोबिकली सो दे रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स इन वेरी लेस अमाउंट, नहीं ये भी कोई स्टेटमेंट, दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स थ्रू देयर बॉडी सरफेस, बिल्कुल सही है कि भैया इनमें एलिमेंट्री कैनाल इसलिए एब्सेंट है कि ये अपने न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बॉडी सरफेस के द्वारा अवशोषित कर लेते हैं, दे टेक न्यूट्रिएंट्स इन लिक्विड फॉर्म, गलत, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस कारण भाई एलिमेंट्री कैनाल क्यों एब्सेंट है? एलिमेंट्री कैनाल की एब्सेंस का कारण है कि भैया भोजन जो है वो शरीर की सामान्य सतह के द्वारा अवशोषित हो गया। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ इनवर्टिब्रेट्स परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, मतलब कौन सी जो स्ट्रक्चर है वो सेम फंक्शन करती हैं? देखिए स्टेटोसिस्ट ये बैलेंस बनाती है, टेंटिकल्स ये बैलेंस नहीं बनाते, लोकोमोशन में, फूड को पकड़ने में, कैप्चरिंग में, इनमें हेल्प करते हैं, एंटीनी और टेंटिकल्स। देखिए एंटीनी और टेंटिकल्स, टेंटिकल्स जो है वो सेंस के लिए भी है, एंटीनी जो है वो सेंसरी भी है, टेंटिकल्स भी सेंसरी होते हैं। रेडुला भोजन को काटने का काम करता है, ओस्फ्रिडियम जो है वो केमिकल टेस्टिंग करता है, ये भी गलत है। हुक्स और सकर, हुक अलग है, सकर चिपकने का काम करते हैं, ये भी सही नहीं है। तो सिमिलर फंक्शन जो है वो भैया एंटीनी और टेंटिकल्स का है, ऑप्शन नंबर बच्चों क्या आएगा? यहाँ पर 2 आएगा, बिल्कुल ललिता राजपूत जी 2 आएगा। हाँ जी निकिता जी जांगिड, बिल्कुल सही है, 2 आएगा। हाँ रंजना जी मैम, हम तो 61 नंबर के सवाल में आ गए हैं, 61 का नंबर का क्वेश्चन करेंगे भैया। देखो क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल शो बाइलेटरल सिमेट्री, मतलब कि यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कौन सा एनिमल का ग्रुप है जो कि बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन रखता है, ट्रूसिलोम रखता है। भैया आपका बॉम्बिक्स जो है वो बाइलेटरल सिमेट्री भी रखता है, ये भी करेगा, पाइला एसिमेट्रिकल होता है, एस्केरिस आपका स्यूडोसिलोमेट है, गलत, लोकेस्ट आपका बाइलेटरल सिमेट्री है, सही है, एन साइक्लोस्टोमेटा फिर ये स्यूडोसिलोमेट आ गया, गलत है, लिमुलस बॉम्बिक्स एस्केरिस फिर गलत आ गया, लिमुलस सही है, ऑक्टोपस सही है, बेलेनोग्लोसस सही है, बिल्कुल सही है। कैसे? देखिए ये ट्रूसिलोमेट है, यहां पर साइजोसिलोमेट या एंटेरोसिलोमेट की बात नहीं की, साइजोसिलोमेट। अब जैसे अगर आप लोग देखें तो लिमुलस जो है बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड पाया जाता है, ट्रूसिलोम है, ऑक्टोपस में भी ट्रूसिलोम पाई जाती है, बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम का है, बेलेनोग्लोसस में भी ट्रूसिलोम है, बस अंतर यह कि इसमें एंटेरोसिलोम है लिमुलस और ऑक्टोपस के अंदर साइजोसिलोम है, लेकिन यहां पर केवल ट्रूसिलोम लिखा है, इसलिए यहां पर 4th नंबर का ऑप्शन बच्चों बिल्कुल राइट है, यहां पर 4th नंबर का ऑप्शन जो है बच्चों बिल्कुल राइट है, इसको आप टिक कर सकते हैं। अगला सवाल हाँ गौरव जांगिड़ जी, कौन से नंबर सवाल का दे रहे हैं? अच्छा, पुराने वाले का, चलिए आप चलिए, अब तो सबको अच्छे से नजर आ रहा है, किसी को कोई समस्या तो नहीं आ रही ना? आज देखिए पेपर में थोड़ा सा स्पीडली करवा रहा हूं, कारण क्या है कि
पेपर ये अब आसान आसान से क्वेश्चंस है, ये मैंने पिछले टर्न पर कई चीज़ें डिस्कस भी कर दी थी। तो जिन बच्चों ने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा वो एक बार पुराना वीडियो भी देख लें। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि सभी द्विपार्श्व सममिति हैं, यानी कि ऑल बाइलेटरल सिमेट्री ड्यूटेरोस्टोम्स। नहीं, देखिए ड्यूटेरोस्टोम्स बाइलेटरल सिमेट्री रखते हैं, लेकिन क्या सभी रखते हैं? क्या नहीं, आपका जो इकाइनोडर्मेट्स है उनमें तो पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री आ गई, यूमेटोजोआ में उत्तक स्तर का संगठन नहीं पाया जाता, पाया जाता भैया टिश्यू लेवल का सिलेंटेट्स में देखने को मिल रहा है। एनिलीड्स आर्थ्रोपोड व मोलस्का, एनिलीडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का ये प्रोटोस्टोम्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये तीनों ही भैया एनिलीडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का ये प्रोटोस्टोम्स होते हैं। ऑल एसिलोमेट्स आर ड्यूटेरोस्टोम्स, बिल्कुल गलत है, यहाँ पर 62 में 3 नंबर का ऑप्शन बच्चों बिल्कुल सही है, यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 63 पर चलते हैं। 63, इकाइनोडर्मेटा के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, गलत है, मतलब कौन सा ट्रू नहीं। विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ इकाइनोडर्मेट्स, तो इकाइनोडर्मेट्स के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? लोकोमोशन बाई पेडिसिलराई, लोकोमोशन होता ही नहीं है तो डिफेंस के ऑर्गन, गलत। प्रेजेंस ऑफ वेंट्रल माउथ, माउथ वेंट्रल सरफेस पर होता है, सही है। मेडिपोराइट जो है वो वाटर की एंट्री को परमिट करता है, ये भी सही है। कैल्शियम कार्बोनेट की बनी कैलकेरियस प्लेट होती है, इनमें कैलकेरियस प्लेट पाई जाती है, बिल्कुल सही है, जिसको आप मेडिपोराइट्स कहते हैं। तो यहां पर भैया 1 नंबर जो है वो गलत है। 64, गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर विच एनिमल्स, ये कह रहा है कि गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर विच एनिमल, दिए गए कथन किस जंतु के लिए सही है। तो यहां पर देखें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और कंप्लीटली, देखो हाइड्रा तो आपका फ्रेश वाटर में पाया जाता है, काट दो जी, फेशियोला और गोरगोनिया, तो अब गोरगोनिया फेशियोला, फेशियोला आपका एंडोपेरासाइट है, गलत हो गया। लिमुलस और फेरिटिमा, फेरिटोमा आपका मोइसोल में पाया जाता है, प्लूरोब्रेंकिया और टीनोप्लाना, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि फाइलम टीनोफोरा के जो मेंबर है वो कंप्लीटली मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, एक बात। दूसरा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है और यहाँ पर सीडिपिड लार्वा पाया जाता है, यानी कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो बच्चों इनमें ऑप्शन नंबर 4 जो है 64 में वो बिल्कुल सही है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप बिल्कुल सही है। हाँ नवदीप शर्मा जी, सर इनकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? इनकी पीडीएफ भैया आप मेरा नंबर ले लीजिए, मेरा नंबर है 9982832191931, मैं उस पर आपको शेयर कर दूंगा, मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9828321931, इस नंबर पे मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। या एक हमारा ग्रुप बना हुआ है सरस्वती बायोमंत्रा, टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है सरस्वती बायोमंत्रा, उस पर भी आप जुड़ सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 65 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, देखिए मैच द फाइलम विथ देयर इनकरेक्ट करेक्टर, देखिए मोलस्का में मेंटल प्रेजेंट है, बिल्कुल सही है। आर्थ्रोपोडा में जॉइंटेड अपेंडेज होते हैं, ये भी सही है। इकाइनोडर्मेटा में वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम, और टीनोफोरा जो है वो केवल समुद्री जंतु है। देखिए यहाँ पर जो इकाइनोडर्मेट जो हैं इनमें कैनाल सिस्टम नहीं होता, इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, जल नाल तंत्र नहीं होता, यहाँ पर जल संवहनीय तंत्र होता है, तो यहाँ पर वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। क्या पाया जाता है इनमें बच्चों? यहाँ पर बताएंगे वाटर वेस्कुलर सिस्टम। अगला सवाल 66, अरे ये सममिति तथा नीडोब्लास्ट का अभाव किसका लक्षण है?
रेडियल सिमेट्री एंड लैक ऑफ नीटोब्लास्ट, ओरेलिया पैरामीशियम। अगर यहां पर हम लोग बात करें कि रेडियल सिमेट्री और नीडोब्लास्ट, लैक ऑफ नीडोब्लास्ट अभी देख लेते हैं, तो अर्य सम्मिति तथा नीडोब्लास्ट का अभाव, मतलब रेडियल सिमेट्री भी नहीं पाई जाती, नीडोब्लास्ट भी नहीं पाया जाता, ये किसका लक्षण है? देखिए हाइड्रा में तो प्रेजेंट है, लेकिन स्टारफिश में आपकी रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट है। अच्छा, लैक ऑफ क्या नाम है ये, तो यहाँ पर अगर बात करें तो हम लोग बताएंगे बच्चों कि टीनोफोरा में आपकी बायरेडियल सिमेट्री तो है, रेडियल सिमेट्री तो पाई जाती है, लेकिन इनमें नीडोब्लास्ट नहीं पाई जाती, ठीक है ना। आपका टीनोफोरा, प्लूरोबरिंकिया, ये आपके टीनोफोरा में आते हैं। यहाँ पर आपका इसमें ऑप्शन जो है वो क्या आएगा, फोर्थ आएगा। ऑप्शन क्या आएगा, फोर्थ, यानी कि रेडियल सिमेट्री एंड लैक ऑफ नीडोब्लास्ट। वैसे इन्होंने यहां पर ऑप्शन अगर देखें हम लोग, हाँ ललिता जी, प्लूरोब्रेंकिया टीनोफोरा का मेंबर है। व्हाट इज प्लूरोब्रेंकिया? प्लूरोब्रेंकिया इज ए मेंबर ऑफ फाइलम टीनोफोरा। टीनोफोरा जो है आपका एक माइनर फाइलम है ना, जिसको कॉम्ब जेली के नाम से भी जानते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेरे को तो लैंग्वेज इसकी गलत लग रही है, क्योंकि पैरामीशियम तो प्रोटोजोआ में आता है, तो इसमें भी कोई रेडियल सिमेट्री का तो कोई लेना देना नहीं है। आपका जैसे हाइड्रा स्टारफिश में चलो रेडियल सिमेट्री मान लेते हैं, ठीक है ना, नीडोब्लास्ट नहीं पाई जाती। यहाँ पर सीपिया ये भी गलत है, सी एनिमोन के अंदर ठीक है, तो ये सवाल जो है एटलीस्ट इसको गलत कर लीजिए आप, सवाल की लैंग्वेज ये सही नहीं है। अब अगला सवाल आता है 67, मतलब विच इज करेक्ट मैच। क्या प्लूरोब्रेंकिया समझ में आ गया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विच इज करेक्ट मैच, कौन सा सही है उसका मिलान करें। सिलोमेट, एनिलिडा और हेमिकोडेट्स दोनों सिलोमेट होते हैं, ये सही है। स्यूडोसिलोमेट एसके हेलमेंथिस होता है, ये भी सही है। एसिलोमेट प्लेटी हेलमेंथिस होता है, ये भी सही है। ऑल आर करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन सही है, क्योंकि सारे के सारे ही सही हैं। मैं अभी सोचने लग गया था कि मैंने कहा यार ये गलत तो कोई आ ही नहीं रहा, सारी सही आ रहे ऑप्शन में, फिर नीचे देखी, नजर डाली तो पता लगा सारी दे रखे हैं, ऑल करेक्ट बिल्कुल। अगला सवाल, पुर्तगाल का योद्धा होता है, देखिए ये एक सिलेंटेट्स है और पॉलीमॉर्फिक होता है। हाँ 68 का देखिए तो पुर्तगाल मैन ऑफ वॉर, ये स्पंज होता है गलत, पुर्तगाल सोल्जर है गलत, सोल्जर ऑफ वर्ड ये भी गलत, ये पॉलीमॉर्फिक होता है, कॉलोनियल सिलेंट्रेट्स होता है, ये बहुरूपी है, कॉलोनियल सिलेंट्रेट्स होता है ना। पुर्तगाल का योद्धा फाइसिलिया को कहते हैं। किसको कहते हैं? फाइसिलिया को कहते हैं। किसको कहेंगे बच्चों? फाइसिलिया को कहेंगे। किसको कहेंगे? फाइसिलिया को कहेंगे। तो यहां पर हम लोग बताएंगे तो किसको कहेंगे? फाइसिलिया को कहेंगे। किसको कहेंगे बच्चों? फाइसिलिया को। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं 69। देखिए वह जलीय जीवित जीवाश्म, ये परीक्षा का सवाल है, बहुत बार पूछा हुआ है, जिसका उद्गम प्राचीन है, बहुत सारे आदिम लक्षण दर्शाता है। बुक गिल्स लिमुलस का करैक्टर है, द्वारा श्वसन करता है, और लिविंग फॉसिल भी क्या है? लिमुलस है। लेटीमेरिया ये लिविंग फॉसिल है फिश। स्पिनोडोन ये भी आपका रेप्टाइल्स में पढ़ेंगे। पेरीपेटस जो है एनिलिडा आर्थ्रोपोडा के मध्य की संयोजक कड़ी है। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग बताएंगे कि लेटी ये लिमुलस एक नंबर बिल्कुल सही है यहां। अगला सवाल, जैव प्रदीप्तता किसमें स्पष्ट होती है? देखिए बायोल्यूमिनेसेंस इज वेल मार्क्ड इन, तो अगर इसको देखें तो ये जेलीफिश का करैक्टर भी है और टीनोफोर्स का करैक्टर भी है, तो दो नंबर का ऑप्शन सही लग रहा है। एसकेल मेंटीज में तो कोई लगा नहीं, फ्लैटवर्म में कोई है नहीं, स्पंज में कोई है नहीं,
अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। देखिए 71 में देखिए, निम्न में से कौन सा अनुकूल चपटे कर्मियों के अंतर परजीवी होने में सबसे अधिक सहायक है? तो देखिए अगर आप लोग ये देखें कि भाई एंडोपैरासाइट है, तो यहाँ पर देखें तो एक तो बॉडी जो है वो टेग्यूमेंट के द्वारा कवर्ड है, हुक और सकर्स भी पाए जाते हैं, ये भी पैरासिटिक करेक्टर है। फ्लैम सेल्स जो है ये पैरासिटिक करेक्टर नहीं है फ्लैम सेल्स, ठीक है ना, और एक और दो, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। 74 में आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आ गया ये देखिए वुचेरिया, वुचेरिया ब्रैंकोप्टाई की बात करें तो वुचेरिया द्वीप बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, श्यूडोसिलोमेट होता है, मेरे को तो भैया ये पहला ऑप्शन ही ठीक लग रहा है इसका। रेडियल सिमेट्री नहीं पाई जाती, काट दो, डिप्लोब्लास्टिक भी नहीं होता, एंटेरोसिलोमेट भी नहीं होता, बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है लेकिन एसिलोमेट नहीं होता, रेडियल सिमेट्री नहीं पाई जाती, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। 72 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। जंतुओं का वह समूह जो रोगों के वाहक के रूप में कार्य करता है, वेक्टर के रूप में, तो वेक्टर के रूप में तो भैया आपका लोकस्ट तो कोई वेक्टर नहीं है, लेसीफर भी कोई वेक्टर नहीं है, एडीज होता है, एडीज होता है, टिक्स और माइट होते हैं भैया वेक्टर, आपका क्या नाम है बॉम्बिक्स नहीं होता, इधर लेमुलस नहीं होता, दो नंबर का ऑप्शन आएगा भैया, एडीज, टिक्स और माइट ये रोगों के वाहक होते हैं, ये रोगों के वाहक होते हैं। हाँ 73 में टू बिल्कुल सही है परमेश्वर जी। ललिता जी एक नंबर किसका बता रहे हैं आप? अच्छा पिछले वाले 72 का बता रहे हैं एक नंबर। हाँ परमेश्वर जी 73 का बिल्कुल सही है टू। अगला सवाल, आर्थ्रोपोडा के श्वसन अंगों का समूह है, देखिए इसमें बुक गिल्स भी पाए जाते हैं, बुक गिल्स, बुक लंग्स और ट्रेकिया, मोइस्ट क्यूटिकल, ट्रेकिया, बुक लंग्स, क्यूटिकल के द्वारा तो भैया श्वसन करेगा कौन? एनिलिडा में अर्थवर्म। बुक गिल्स पाए जाते हैं, अभी हमने पढ़ा था लिमुलस में, बुक लंग्स बिच्छू में, ट्रेकिया इंसेक्ट में, ये सही है। बुक लंग्स तो पाए जाते हैं, ट्रेकिया पर मेंटल नहीं होता भैया, मोलस्का का करेक्टर है, बुक गिल्स स्किन, स्किन के द्वारा नहीं होता, दो नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 74 में टू बिल्कुल सही है। कौन सा गलत कथन है, कौन सा गलत कथन है, मोलस्का आर यूजुअली ओवीपेरस एंड शो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, अंडे देते हैं और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, टिड्डा समूह में रहने का गुण दर्शाने वाला पीडक है, ये लोकस्ट इज ग्रेगेरियस पेस्ट है, लिमुलस एक लिविंग फॉसिल है, ट्रोकोफोर इज द लार्वा ऑफ लीच, लीच का लार्वा नहीं होता, ये नेरिस का लार्वा होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। 75 में फोर आएगा, 75 में फोर ऑप्शन होगा। पोरीफेरा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा गलत है, बॉडी पर कंटिकाएं पाई जाती हैं, यहाँ पर एस्कोन सिंपलेस्ट कैनाल सिस्टम होता है, ये भी सही है, रेगोन टाइप कैनाल सिस्टम डिमोस्पोंजियाई के लार्वा में पाए जाते हैं, ये भी सही है, यू स्पोंजिया को ग्लास रोप स्पंज कहते हैं, यू स्पोंजिया को तो बाथ स्पंज कहते हैं, ठीक है ना, ग्लास रोप स्पंज तो हाइलोनीमा को कहते हैं, हाइलोनीमा, हाइलोनीमा इसे ग्लास रोप स्पंज कहते हैं बच्चों, तो ये गलत है। सिंतर में क्या आएगा, चार। हाँ ललिता राजपूत जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगला ये, निम्न में कौन सा जोड़ा सही नहीं है, मोनोसिस्टिस मोनोजेनेटिक है, टीनिया सोलियम शूडो मेटामेरिज्म शो करता भाई, गोरगोनिया को आप सी पेन, पहला स्टेटमेंट भी सही है, ये एक पोषी होता है, ये मोनोजेनेटिक है, टीनिया सोलियम प्यूरो, गोरगोनिया को तो सी फैन कहते हैं, गोरगोनिया को बच्चों क्या बोलते हैं, सी, गोरगोनिया को सी फैन कहते हैं, इसका मतलब ये गलत है। थर्ड नंबर, नेरिस में सिफिलाइजेशन देखने को मिलता है, बिल्कुल सिरोबोन है ये, यहाँ पर थर्ड, इसमें 77 में क्या आएगा बच्चों, थर्ड ऑप्शन आएगा।
एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इवोल्यूशन पढ़ाएंगे साहब, अभी तो जो चल रहा है वो कर लीजिए आप। हाँ जी, बॉडी इज अनसेगमेंटेड, कवर्ड बाई ए कैलकेरियस सेल। बॉडी इज डिवाइडेड इंटू हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प। दीज करेक्टर फाउंड इन विच। भैया बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर कवच पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट और कॉन्क्योलिन प्रोटीन का बना हुआ। बॉडी जो है वो हेड, मस्कुलर फुट भी देखने को मिलता है, विसरल हम्प भी है। ये मोलस्का का करैक्टर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा। ये सीधा करैक्टर बता सकते हैं कि यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा। अब आता है 79। 79 कहता है कि सेलेक्ट इन करेक्ट पेयर, इन करेक्ट पेयर को छाटिए। ओफियूरा ब्रिटल स्टार, पिंटाडा आपका परलोइस्टर है, अमेनियांड्रा को ब्रेन कोरल भी कहते हैं, स्पोंजिला जो है वो मैराइन वाटर स्पंज है, और ओफियूरा को आपका ब्रिटल स्टार भी कहते हैं। भैया स्पोंजिला जो है वो फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला स्पंज है। फोर्थ ऑप्शन गलत है, यहाँ पर स्पोंजिला जो है, स्पोंजिला ये मैराइन वाटर में पाए जाने वाली स्पंज है, नहीं है, ये फ्रेश वाटर में पाए जाने वाली, ये कहाँ पर पाया जाता है, फ्रेश वाटर में पाए जाने वाली स्पंज है। बच्चों लास्ट सवाल, इसे लास्ट क्वेश्चन, वेयर विल यू लुक फॉर स्पोरोजोइट्स ऑफ द मलेरिया पैरासाइट। आप मलेरियन परजीवी के स्पोरोसाइट्स को कहाँ ढूंढेंगे, मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति की लाल रक्त कणिकाओं में, संक्रमित व्यक्ति की प्लीहा में, नवनिर्मोचित यानी सलाइवी ग्लैंड्स ऑफ फ्रेशली मॉल्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो में, सलाइवा संक्रमित मादा एनाफिलीज की लार में। बताइए बच्चों, मैं इंतजार कर रहा हूँ इस सवाल का आंसर आप लोग देंगे। सर मैं लाइव क्लास में चल रहा हूँ, फ्री होकर बात करता हूँ आपसे। हाँ जी सर, हाँ जी एटी में डी। हाँ जी, गीता बाजे जी 4, मनीषा जी 4, बिल्कुल। और बताइए साहब, बिल्कुल सही है, फोर्थ ऑप्शन होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और शुभरात्रि आप सबको, और आशा करता हूं आप सबको समझ में भी आ गया होगा। और बिल्कुल मजे करो, एंजॉय करो, अच्छी नींद लो।
आर सिग्नेट अवस्था होती है। हाँ जी पंकज जी, बढ़िया हूँ, मस्त हूँ। हाँ थैंक यू ललिता जी, मैंने अपना नंबर भी दिया है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। और ललिता जी आप ऐसा करें कि एक ज्ञानदूत हमारा चैनल चलता है जिस पर मैंने टैक्सोनॉमी के वीडियो अपलोड कर रखे हैं, ठीक है ना? या आप मेरे को एक बार कोई लिंक वो कर देना, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए आप सरस्वती बायोमंत्रा पर, तो वहाँ पर मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। हाँ जी, गुड नाइट, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बढ़िया अच्छी खासी नींद लीजिए और मज़े कीजिए। अब मैं भी इसको बंद करके खाना वाना खाऊंगा, भूख लग रही है बहुत तेज, पेट में चूहे कूद रहे हैं भैया।